सकें इस तरह से हर दिन। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण। त्रिभुज में बाह्य कोण क्या होता है? बाहरी कोण या इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। ये एक्सटर्नल एंगल है। देखो पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर परिभाषा बोल दूँगा किताब में, जो भी है लिख लेना या जैसे मैं बताऊँगा वैसे खुद से लिख लेना। देखो जैसे ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति एक त्रिभुज बनी है ना, तो इसमें तीन अंतः कोण हैं, ए बी और सी, है ना, तीन अंतः कोण। जब किसी भी, या फिर ऐसे बोलें, ऐसे भी कह सकते हो, जब किसी भी भुजा को बाहर की तरफ ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो उससे जो सटी हुई भुजा होती है उसके साथ एक कोण बनता है और यही कोण बाह्य कोण कहलाता है। आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि एक त्रिभुज में कितने बाह्य कोण हो सकते हैं, तो भैया एक त्रिभुज में कितने बाह्य कोण हो सकते हैं, इसको इधर भी तो बढ़ा सकते हो, है ना, हो गया कि नहीं, और इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो ना, कोण बन रहा है कि नहीं। तो एक त्रिभुज में तीन बाह्य कोण हो सकते हैं, छः नहीं होंगे, लेकिन आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि हम चारों तरफ को बढ़ा दें कि हो सकता है छः, क्या सोच के बताओ, आप लोग नहीं बताए। देखिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज कर रहा था कि देखूँ आप लोगों के क्या विचार आते हैं। जब मैंने कहा कि जब किसी भुजा को सीधा बाहर को बढ़ाते हैं तो वो जो कोण बनता है बाह्य कोण बनता है, तो भैया ये आपके एक दो तीन कोण तो बन गए, लेकिन इधर को भी ये कोण बनेंगे, ये 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 और ये, मतलब एक त्रिभुज में छः बाह्य कोण हो सकते हैं, समझ गए ना, तीन नहीं छः। आप लोगों के विचार थोड़ा पलट गए होंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे हाँ हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उतना होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे गलत बता रहे हैं। तो आप क्लियर कर लो कि किसी भी ये त्रिभुज में छः बाह्य कोण होते हैं, एक दो तीन चार पाँच, कितना हो गया यार, एक दो तीन, अरे यहाँ नहीं बनेगा सब चारों तरफ, है ना, ये चार, तीन के बाद ये यहाँ पे ये चार और ये पाँच और छः, समझ गए। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो कि किसी भी त्रिभुज में छः बाह्य कोण हो सकते हैं। इसके बाद कुछ सवाल हैं आगे, उन्हें देखना ध्यान से। एक बात आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि भैया ये इसमें कोई कोण नहीं होगा ना, यहाँ भी कोई कोण बना लो, इसका कोई रिलेशन नहीं कहीं से, इस पे कोई कोण नहीं बनेगा, नो एंगल, यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा, नो एंगल, ये बात याद रखना, नहीं तो आप लोग सोच रहे हो कि तीन कोण तो और बन रहा है, समझ गए ना, लिख लो फट से जल्दी से। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो जल्दी से।